तो फिर बच सकते हैं, बट नहीं, राव किंग डाउन होते हुए और अब रश करेगी ब्लाइंड की टीम। साइको की बात करें तो दूसरे साइड से आते हुए कार्नेज को स्पॉट किया, साइको पूरी तरीके से रश करते हुए, पता है जैशॉन ऊपर के साइड पे है, डाउन होंगे, उसी का शिकार हुए कार्नेज के द्वारा, साइको को डाउन किया और फिनिश भी किया। एक्सपेन की बात करें दूसरे साइड से रोटेट करेंगे, बट उनको भी बाहर जाना नहीं चाहिए, ऊपर से बंदे अभी भी कवर दे रहे उनको। कार्नेज दूसरे साइड से रोटेट करते हुए एक्सपेन को भी डाउन किया। निक की बात करें तो दूसरे साइड पे जैशॉन को नॉक आउट कर चुके हैं, डॉन और राव किंग दो यहां पे बचे हुए, नीचे के साइड पे कार्नेज दो मेंबर्स को डाउन कर चुका है, शायद फिनिश भी करेंगे। राव किंग अगेन डाउन होते हुए, निक का बढ़िया स्प्रे आता हुआ, डॉन दूसरे साइड पे रिवाइव करेंगे जैशॉन को। और अगर बात करें तो कार्नेज भी डाउन हो चुके हैं, सेवन सीज के रिक्शॉ 100 मुझे दिखाई दे रहे हैं और शायद वो रश कर सकते हैं, थर्ड पार्टी कर सकते हैं। आई गेस टीओडी के तीन मेंबर्स डाउन हो चुके हैं, डॉन और जैशॉन, दो मेंबर्स जैशॉन तो रिवाइव किए जाएंगे, बाकी डॉन अकेले बचे हुए थे, जैशॉन को रिवाइव किया गया, फिनिश करेंगे राव किंग को। और ब्लाइंड की बात करें तो उनके भी तीन मेंबर डाउन हो चुके हैं। यस बिल्कुल, सेवन सीज की स्क्वाड रुक चुकी है और अब टीओडी वर्सेज ब्लाइंड वर्सेज सेवन सीज होता हुआ। डॉन दूसरे साइड पे है, ध्यान दिया नहीं ब्लाइंड की टीम ने कि सेवन एस की टीम भी आ चुकी है, पीछे से शॉट पड़ेगा, जैशॉन को डाउन किया और इसी के साथ एलिमिनेट होती हुई टीओडी की स्क्वाड बाय ब्लाइंड स्क्वाड। ऑम भी चलता हुआ जोन ऊपर के साइड शिफ्ट करते हुए, आई गेस टीम नंबर 15 वर्सेस टीम नंबर 16 होता हुआ, काफी ज्यादा क्लोज है। गॉडल कैरी डाउन होते हुए वाइपर के द्वारा, आईटी प्रिंस डाउन हुए विलीफ के द्वारा, और वाइपर की बात करें वो भी डाउन हुए खेल के द्वारा। सोल वर्सेज गॉडल चलता हुआ, रगल टोस दूसरे साइड है, अमन अंदर के साइड पे जा चुके हैं, फिनिश करेंगे पूरी तरीके से। गॉडल एग्जिस्ट भी नॉक डाउन हुए, वेजी क्रॉल्स के रोज डाउन, एग्जिस्ट को फिनिश किया अमन ने। गॉडल मेंबर्स की बात करें तो आई गेस अकेले गिल बचे हुए, यस बिल्कुल अकेले गिल बचे हुए, बाकी के दो मेंबर्स डाउन के फिनिश भी हो गए। रगल टोस को डाउन किया, कंफर्म करने की कोशिश की जा रही है, कंफर्म कर सकते हैं, काफी ज्यादा क्लोज है अगर बाकी सारे मेंबर आए। अमन ने अंदर से शॉट दिया, यूएमपी का नॉक डाउन किया पूरी गॉडल स्क्वाड को, इसी के साथ गॉडल स्क्वाड भी एलिमिनेट होते हुए फोर्ट पड़ जाएगी। फनेटिक स्क्वाड पे रश करेगी, सेल्स इल्यूजन डाउन होते हुए ओवेस के द्वारा, MK14 है उनके पास, MK14 क्लोज रेंज में बहुत ही ज्यादा खतरनाक काम करती है। अभी के लिए फनेटिक स्क्वाड फंस चुकी है बीच में, एश में भी थोड़ा सा क्लोजिंग करते हुए एक नेट करेंगे, सेल्स इन जस्ट ऊपर है, नेट काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। ओवेस दूसरे साइड से रोटेट कर चुके हैं, पुश कर दिया है उन्होंने, और सेल स्क्वाड की बात करें तो मुश्किल में आ सकती है, एक बंदा उनका पहले से डाउन है, ओएस के पास है M249, आतंकी दूसरे साइड से आते हुए, सेल्स एमजे भी डाउन M249 से, आतंकी को फिनिश किया। ओके, आतंकी डाउन हो चुके हैं, एमजे भी डाउन और रॉक्स इल्यूजन नीचे के साइड पे दो मेंबर्स बचे हुए, रॉक्स को काफी ज्यादा डैमेज पड़ा है, इल्यूजन भी डाउन होते हुए, रॉक्स अकेले बचे हुए, एक नेड, सेल्स की स्क्वाड इसी के साथ एलिमिनेट होती हुई बाय फैनेटिक स्क्वाड। अभी के लिए जोन के अंदर जल्दी मूवमेंट दिखाना पड़ेगा, छठा जोन है, बहुत ज्यादा रश तो कर रहे हैं। जीरो डिग्री की स्क्वाड आई गेस सोल की स्क्वाड पर रश कर चुके हैं, फैनेटिक एस डाउन होते हुए, अमन भी डाउन हुए, रगल्टोस अकेले बचे हुए अपनी टीम से, अंदर के साइड पे जाएंगे बट नहीं, पान सिंह ने डाउन किया। इसी के साथ सोल की स्क्वाड भी एलिमिनेट होते हुए, बात करें सेवन सीज की स्क्वाड काफी ज्यादा क्लोज है, इंसेन की स्क्वाड पे रश हो चुका है, गॉड्स का फनेटिक के दो मेंबर बचे हुए, ओएस और स्काउट बचे हुए, आई बिलीव अभी भी जिंदा, अंदर के साइड जा चुके हैं, इंसेन लीजेंड डाउन होते हुए जिक्सॉ के द्वारा, और धीरू की बात करें सेवन सीज की स्क्वाड आप पुश करते हुए, और यस बिल्कुल इंसेन की स्क्वाड पे पुश कर चुके हैं फाइनल बॉस, और इंसेन के टेम्पेस्ट अकेले बचे हुए अपनी टीम से नॉक आउट किया, और इंसेन की स्क्वाड एलिमिनेट होते हुए, इसी के साथ टोटल 5 टीम 12 मेंबर्स अभी भी अलाइव, सेवन सीज के पास है टोटल 5 किल। बात करें फैनेटिक की तो रश कर चुके हैं, गॉड्स की स्क्वाड काफी ज्यादा क्लोज है, ओवेस के गॉड्स मनु को डाउन किया बट ऊपर से शॉट पड़ा, फैनेटिक की स्क्वाड भी एलिमिनेट होते हुए फिफ्थ पोजीशन पे, बट टोटल 4 टीमें बची हुई हैं। जीरो डिग्री MYM डिनर आ सकता है गॉड फ्लोडिंग बट नहीं, वीरो डाउन होते हुए, फाइनल बॉस भी डाउन होते हुए, आई भी एक्सटेंड के द्वारा दोनों को डाउन किया, फिनिश भी किया, फाइनल बॉस को डाउन किया था, फिनिश किया, वीरो भी डाउन होकर फिनिश हो गए, 2v2 का सिचुएशन होता हुआ गॉड्स के। IVXN ने क्या गेम प्ले दिखाया है टोटल। ओके, ब्लेजी के द्वारा 600 भी डाउन हुए, ड्रिगर आई गेस अकेले बचे हुए अपनी टीम से, और अब जोन जो है वो ड्रिगर के पास बनता हुआ, बट अभी 600 को रिवाइव करना पड़ेगा, जीरो डिग्री को वहां से निकलना है, लोडिंग्स को भी जोन के अंदर आना पड़ेगा। IVXN की बात करें तो ओपन से रश करते हुए, जीरो डिग्री स्क्वाड जस्ट वहीं पे, ब्लेजी दूसरे साइड से निकलने की कोशिश करेंगे, हील बैटल करते हुए नजर आ रहे हैं, नहीं देखना पड़ेगा, बस सेवन सीज की स्क्वाड इसी के साथ एलिमिनेट होते हुए, पान सिंह काफी ज्यादा डैमेज ले चुके हैं, चिकन डिनर फॉर गॉड्स रेन स्क्वाड विद आई गेस 9 या 10 किल्स,